जी नहीं, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये कमर्शियल कर लेंगी तो फायदा भी आप ही को होगा। मुझे ये फायदा नहीं चाहिए, थैंक यू। आप प्लीज इन्हीं में से कोई मॉडल सेलेक्ट कर लें। हाँ भाई, सुना तो है कि बाज़ औक़ात ये बदरूही शक्लें बदल कर हमारी दुनिया में भी आ जाती हैं। और मैं नहीं मानता इन चहलों वाली बातों को। खुशिया तेरे कि हमारी मेहनत की कमाई हुई दौलत वो किसी और को देती हो। अहमद, अहमद का सब हो गया। क्या हुआ, तुम इतनी घबराए भी क्यों? हमें चलो चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। वो लोग यहीं आ रहे हैं, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैंने मैंने भागने का सारा इंतजाम कर लिया है। हमें चलो चलो, हम अपनी एक नई दुनिया बसा लेते हैं। ये दुनिया हमें कभी समझ नहीं सकेगी। खुदा को भी अपने महबूब से मोहब्बत थी। ये पूरी कायनात मोहब्बत की बुनियाद पर वजूद में आई, फिर ये हमारे प्यार के दुश्मन क्यों? मेरे और तेरे प्यार के मामले में एक ही खराबी है शानी, मैं मजारे का बेटा हूं और तू एक चौधरी की बेटी। मैं कमतर हूं और मेरे और तेरे प्यार के मामले में एक ही खराबी है शानी, मैं मजारे का बेटा हूं और तू एक चौधरी की बेटी। मैं कमतर हूं और तू आला। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, इस तरह की बातें करके तुम परेशान कर देते हो मुझे। मैं नहीं मानती इस जात पात को। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है और बस। मुझे पता है तुम लोग परेशान तो हो गए, लेकिन बस मैं अब चलता हूँ। बाबा जी, क्या ये कहानी मुकम्मल हो गई? दुनिया की हर कहानी नामुकम्मल है, कोई कहानी मुकम्मल नहीं होती। ये कहानी भी अधूरी रहेगी। बाबा जी, क्या ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं होगी? नहीं, सूरज डूबने वाला है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, इजाजत दीजिए। देख अम्मा, कौन आया है? तुम्हारा हाल चाल पूछा। चल शुक्र है, तुझे वेल तो मिली हमारे घर आने की। चाची कैसी तबीयत है? बस बदर, तबीयत क्या होगी, बुखार जान ही नहीं छोड़ता। बिल्किस बहन, तुम अपने गांव के हकीम को क्यों नहीं दिखाती? बड़ी अच्छी दवाई देते हैं। क्या बताऊं चाची, ये तो मेरी बात मानती नहीं है।
बीमारी को बढ़ाई जाती है, भला दवाई लिए बगैर कैसे ठीक होगी? नूरी बस कर, ज्यादा बातें ना बना, जा जाके चाची के लिए चाय का बंदोबस्त कर, उठ मेरा पुत्र। नहीं बहन, नूरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, आपने आज ही जाके हकीम से दवाई लेनी है। ज़ैनब, पीर साहब का क्या हाल है? बहन, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, हमारा उनसे वास्ता कम ही पड़ता है। हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली इस पार्क के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और खास करके ये वाला। क्या खूबी है इस फूल में? ये किसी के इनकार को इकरार में बदलने की सलाहियत रखते हैं। बहुत गलत फहमी है आपको। गलत फहमी मुझे नहीं, आपको। तो फिर खुश फहम है आप? और जिद्दी? कुछ नहीं कर सकती आपकी जिद। मैडम, ये जो जिद है ना, ये पहाड़ों को रेजा रेजा कर सकती है, और आपकी फोटो से हाँ सुनना तो बात ही कुछ। बोल दो। हाँ, आप आपको मनाना चाहता हूँ। किस बात के लिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ। आप मेरी कमर्शियल वाली ऑफर को कबूल कर। मुश्किल? नामुमकिन नहीं। नूरी, कहाँ जा रही है? ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या होगा, बदनसीब इंसान। तुझे तो पता है ना कि अम्मा बीमार है, हकीम साहब से दवाई लेकर आ रही है। नूरी, तू बहुत अच्छी लड़की है, तो अपनी माँ की कितनी खिदमत करती है। मेरी माँ, तो अपनी माँ की मर्जी से शादी भी कर ले। काश तुझे भी किसी से मोहब्बत होती, तुझे पता चलता कि मोहब्बत में इंसान कितना बेबस हो जाता है। वरना मैं तो अपनी माँ को दुख देने का सोच भी नहीं सकती। खुदा ना करे मुझे किसी से मोहब्बत हो, अपनी दोस्त को बद्दुआ तो ना दे। तो कितनी खुश नसीब है, कॉलेज जाती है, पढ़ती है। अच्छा सुन नूरी, कल रात ना मैंने बड़ा ही अजीब सा ख्वाब देखा। वो क्या? मैंने देखा एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गया है, और कुछ लोग मुझे आगे की तरफ धकेल रहे हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ, और डरते डरते मैं अल्लाह से मदद की दुआएं मांग रही हूँ। इतने में एक रोशनी की किरण दिखाई देती है, और एक तेज हवा का झोंका जो न जाने मुझे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सिर्फ फूल ही फूल है, रंग ही रंग है। पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है, अल्लाह सब ठीक करेगा। वो अम्मा इंतजार कर रही होगी, मैं बाकी बातें बाद में करती हूँ। ठीक है।
खुदाफिस। حقه الله حقه الله. جس طرح رخ اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والے سے اس کے آباء و اجداد اور رنگ و نسل کے بارے میں نہیں پوچھتا، اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح درویش اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والے سے اس کے آباء و اجداد اور رنگ و نسل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، اس کا ڈیرا سب کے لیے ہے، اس کی دعائیں سب کے لیے ہیں. حق ہو اللہ. اب تم لوگ جاؤ، میرے چلے کا ٹائم ہو گیا، جاؤ. شاباش. حق ہو اللہ، حق ہو اللہ، حق ہو اللہ. کیوں رہتی ہو اداس اداس؟ تم یقیناً اس فضول سے بالے کی سوچوں میں گم رہتی ہو. بڑی زبان چلنا شروع ہو گئی ہے تیری، کیوں تنگ کرتی ہے تم مجھے؟ لوگوں کی بہنیں تو بہنوں کا خیال رکھتی ہیں، اور ایک تو ہے، تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے. اور ہاں، آج کے بعد نا بالے کے بارے میں کچھ نہ کہنا. اور جب تم میرے پیچھے پڑی رہتی ہو، یہ نہ کر وہ نہ کر، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور رہی بات بالے کی، تو وہ کہ شہزادہ گلفام ہے، مجھے وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے، میں غلطی سے بھی ان کے گھر کا رخ نہیں کرتی. اور ایک تم ہو، ہر وقت وہیں گھسی رہتی ہو. خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ، تم دونوں بہنیں ہر وقت لڑتی رہتی ہو. اماں زیبی میری چھوٹی بہن ہے، اچھا اور برا سمجھانا تو میرا فرض ہے نا. پر یہ تو میری ایک نہیں سنتی. دیکھ لوں گی، یہ زیبی ہے نا، اللہ نے ایک بار لے کے ہمیں دوبارہ دی ہے، تو اسے پیار سے سمجھایا کر. اور زیبی، یہ تیری بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ زبان نہ چلایا کر. اماں، میں آپا سے بہت پیار کرتی ہوں، یہ میری بہت اچھی بہن ہے، لیکن ہے ذرا غصے کی تیز. ایک بات ہے اماں، اگر اس کا کوئی اچھا رشتہ ہے نا، تو یہ بالے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرے گی. لے، تو بالے کا رشتہ اس کے لیے آیا ہی کب ہے؟ اس کو اس کی پرواہ ہی کب ہے؟ وہ تو بیلا کے پیچھے پاگل ہوا پھرتا ہے سارا دن. اماں، اب تو بھی میرے پیچھے پڑ گئی، میں تو ماری جاؤں تو اچھا. لے، میں تو تیری بھلائی کے لیے تجھے سمجھاتی ہوں، میرا کیا ہے؟
अच्छा चल अब बस भी करना, बस कर मेरी थी ना, रो चुप कर, चल चुप कर। क्या खराबी है तस्वीरों में? अच्छी खासी तो है। हाँ, लेकिन इनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है जो कि मेरी पसंद के मायार पर पूरी उतरे। अच्छा, तो फिर क्या है आपकी पसंद? आप। एक्सक्यूज मी। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये कमर्शियल आप करें। मैं कैसे कर सकती हूँ? That's impossible. I can't. वो मायूसी के लम्हों में जरा भी हौसला देता तो हम कागज की कश्ती पे समंदर में उतर जाते। मेरे एड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है एक बेटे और उसकी माँ के ऊपर। माँ बेटे से कह रही है कि बेटा, मैंने तुम्हें इतनी लड़कियों को रिश्ता दिखाया लेकिन तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आई। अब मैं कौन सी ऐसी लड़की लेकर आऊँ जो तुम्हें पसंद आए? वो कौन सी हूरियाँ परी हो? कट करते हैं और एक लड़की फ्रेम इन होती है। लड़का उस लड़की को देख कर अपनी माँ से कहता है कि माँ, वो देखो मेरे ख्वाबों की मलका, मेरी आइडियल, जिसके हुस्न को देख कर परियाँ भी शर्मा जाए। माँ, इसको मेरे दिल की रानी बना दो। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं। इसके बाद आप ये दिखाएंगे कि हमारे क्रीम इस्तेमाल करकर वो इतनी हसीन और जमील हो गई है। तो हमारे प्रोडक्ट का नाम ही तो आइडियल क्रीम है और हमारा स्लोगन भी यही है कि आइडियल क्रीम आपको सबका आइडियल बनाए। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप बस। ऑफ कोर्स मैडम, जब तक लोगों को कन्विंस ना किया जाए वो प्रोडक्ट खरीदते नहीं। हाँ ये भी है। अब आप खुद ही इंसाफ करें, ऐसी खूबसूरत लड़की आपके सिवा और कौन हो सकती है? आखिर आप चाहते क्या है? बोल दो। हाँ, आप क्या कहते हैं डॉक्टर्स, कैसी हालत है बच्ची की? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो कोमे से तो बाहर आ गई है। ट्रीटमेंट जारी है, इंशाल्लाह दो चार दिन में हम उसे घर लाएंगे। अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं, बच्ची की जान को तो कोई खतरा नहीं, मगर डॉक्टर बता रहा था कि वो अपनी मेमोरी लॉस कर गई है, उसे शायद अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात याद ना रहे।
میرا خیال ہے یہ سب کچھ اس سر کی چوٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اب تک ریکور کرے گی؟ بہت جلد کر سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریکور کرنے میں برسوں لگ جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ساری زندگی اسے اپنی پچھلی زندگی کی کوئی بات یاد ہی نہ آئے. سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس قدر ہولناک حادثہ تھا سہیل. اللہ معاف کرے ہمیں, ہماری جانیں تو بچ گئی سمینہ, مگر میں سوچتا ہوں نہ جانے کیا کیا خواب لے کر وہ دونوں بیچارے اپنی معصوم بچی کے ساتھ گاؤں سے شہر آ رہے تھے. ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا المناک حادثہ پیش آ سکتا ہے. چھوٹی سی معصوم بچی بن ماں باپ کے اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی. اللہ ہماری اس غلطی کو معاف کرے. یہ سب میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ خود کو سارا الزام کیوں دے رہے ہیں؟ قصور ان کی ٹیکسی والے کا بھی تو تھا. وہ تو ٹھیک ہے سمینہ, لیکن زیادہ غلطی میری تھی. پتہ نہیں اس وقت میرا دھیان کدھر چلا گیا تھا. اب ساری زندگی ضمیر پر بوجھ رہے گا. ان بیچاروں کے رشتے داروں کے گھر تو صفے ماتم بچھ گئی ہوگی, آخری دیدار بھی نہیں کر سکے. اوپر سے ہم نے خط میں اپنے گھر کا ایڈریس بھی تو نہیں لکھا. کیا منہ دکھاتے ہوئے کہ ہماری وجہ سے ان کے بھائی اور بھابھی اس دنیا میں نہیں رہے, ہماری وجہ سے ان کی معصوم سی بچی یتیم ہو کے رہ گئی ہے. گھر سے ابے کو لے کر آ, گھر ہی پر ہوں گے. جی باجی. اور سن, ان کو کہنا دو چار لوگوں کو لیتے آئیں. جی. آپ دودھ میں ہلدی ڈال کر لے آئیں. ٹھیک ہے, نہ یہ پیر کالو کے مزار پہ گیا نہ حکیم یہاں پہ آیا, تو پھر دودھ میں ہلدی کیا کام کرے گی؟ اوے بدبخت, اوے بد نصیب, تو مرشدوں کے آگے ناک بھی رگڑتا رہے تو وہ بھی کم ہے.